राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मन की भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। तो कब है नव वर्ष की पहली पूर्णिमा, जाने इसकी सही तारीख, पूजा विधि और महत्व। तो हिंदू धर्म में हमारे पंचांग में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत करें और स्नान दान करें, पूजा पाठ करें, इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि आने वाली है, तो चैत्र माह की पूर्णिमा कब आएगी इसके बारे में आपको बता रहे हैं। और यह हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा भी है और इस तिथि को हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, तो हनुमान जन्मोत्सव के नाम से भी इस पूर्णिमा को जानते हैं। चैत्र पूर्णिमा पर व्रत और स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें, इसे करने से आपके यहाँ धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। स्नान दान व पूजा विधि के बारे में आइए हम जानते हैं। सुबह क्या मुहूर्त है, तो पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 5 अप्रैल 2023 की सुबह 9:19 पर हो जाएगी और चैत्र पूर्णिमा अगले दिन यानी 6 अप्रैल 2023 को सुबह 10:04 तक रहेगी। हिंदू धर्म में तिथि का उदया तिथि को महत्व दिया जाता है, तो ऐसे में चैत्र पूर्णिमा 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान दान के लिए आपको 6 अप्रैल 2023 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होगा और स्नान करने के बाद आप हनुमान जी की भी पूजा करें और माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की भी पूजा करें तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो चैत्र पूर्णिमा पर आप सुबह उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी यदि कोई पास में हो तो उसमें स्नान कर लें, और यदि आपके आसपास नदी नहीं है तो घर पर ही पानी में पवित्र गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। और फिर स्नान करने के बाद आप सूर्य देवता को जल का अर्घ दीजिए। आपको सूर्य देवता को अर्घ देते समय सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद आप व्रत का संकल्प ले लें कि आज हम व्रत रहेंगे, और फिर इस तरह आप भगवान सत्यनारायण की पूजा करें और चैत्र पूर्णिमा पर रात को चंद्रदेव की पूजा भी करें। पूजन के बाद किसी ज़रूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को अन्न दान करें, धन दान करें, वस्त्र दान करें, जो भी आपके पास है सामर्थ्य के अनुसार आप उसे दान करें। इस प्रकार व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत और स्नान दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और व्यक्ति के पाप कट जाते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा का भी विशेष महत्व होता है और चैत्र माह की पूर्णिमा को ही राम जी के परम अनन्य भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।